हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका सानवी ब्लॉग में। यहाँ पर देख सकते हैं मैं आज आलू कतली की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये बहुत ही इजीली बन जाने वाला है और बहुत ही कम समय में, और घर के ही सामानों से बनाना है इसे। तो चलिए इसे बनाते हैं। ये देख सकते हैं मैं यहाँ पर मैश कर दिखा रही हूँ। बहुत ही मतलब ईजिली बन जाता है, बहुत ही टेस्टी बनता है। और ये रेसिपी सबको पसंद आने वाला है, बच्चे तो बच्चे, बड़े भी मांग मांग कर इसे खाने वाले हैं। तो चलिए इसे हम बनाते हैं। तो इसके लिए देखिए, मैंने यहाँ पर 7 से 8 यहाँ पर आलू लिया है, मीडियम साइज का। छोटा ना ही ज़्यादा बड़ा था, ना ही ज़्यादा छोटा था। तो यहाँ पर मैंने स्लाइस में इसे काट लिया है। देख सकते हैं आप सभी, ना ज़्यादा पतला है ना ही ज़्यादा मोटा है। तो ऐसे ही हम सारे आलू को काट कर धो लिया है। और यहाँ पर गैस पर मैंने कढ़ाई बिठा दिया था, और इसमें मैंने सरसों तेल ऐड किया था, और इसी के साथ थोड़ा सा जीरा और एक हरी मिर्च है जो लाल हो गया था, उसको मैंने ले लिया है। तो अब हमारा जीरा चटक गया, तो यहाँ पर जो हमने आलू को काट कर रखा था, सारे आलू को हम यहाँ पर इसमें कढ़ाई में ऐड कर लेंगे। तो देखिए, मैंने इसमें सारा आलू इसमें डाल दिया। तो अब हम इसको अच्छे तरीके से इसको चला लेंगे, चारों तरफ से इसको चला लेंगे। और ये आपको आलू थोड़ा सा अजीब दिख रहा होगा, तो ये लाल वाला आलू लिया था मैंने, इसलिए ऐसा दिख रहा है। इसलिए इसको हम ढक कर 2 मिनट के लिए ऐसे ही कुक करेंगे। देखिए, 2 मिनट के बाद मैंने इसको खोला है। देखिए, अच्छे तरीके से ये मतलब कुक हो जाता है, गल जाता है तुरंत ही। इसमें अब हम बेसिक मसाले ऐड करेंगे। तो अब हम इसमें काली मिर्च ऐड कर दिए हैं, और थोड़ा सा इसी के साथ जीरा पाउडर ऐड कर दिया है, हल्दी पाउडर ऐड कर लिया है, और रेड चिल्ली पाउडर ऐड कर दिया है। और टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम नमक ऐड कर लेंगे, और इन सबको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, बहुत ही जल्दी ये बन जाता है ये रेसिपी। तो बस इसे और हमें 1-2 मिनट के लिए ढककर पका लेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं मैंने चला लिया था, तो इसको ढक दिया है, और यहाँ पर 1 मिनट के बाद मैं इसे खोल रही थी। तो ये देखिए, और भी अच्छे तरीके से ये मतलब कुक हो गया था। तो इसमें अब मैं थोड़ा सा, यहाँ पर हरा लहसुन था मेरे पास, तो उसको मैंने इसमें डाल दिया। थोड़ा सा हरा धनिया था, उसको भी मैंने डाल दिया हुआ है। और ये बहुत बढ़िया मतलब ये बन चुका है। यहाँ पर मैं आप लोग को मैश करके दिखाती हूँ थोड़ा सा। ये देखिए, मतलब बहुत जल्दी मैसी हो गया था। तो ये देखिए, फाइनल लुक हमारा बनकर रेडी हो गया था, मैंने प्लेट में निकाला था। और फ्रेंड्स, अगर आप लोग को हमारा ये रेसिपी पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसको आप पूरी और पराठे कोई भी चीज़ के साथ यूज कर सकते हैं, खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है। यहाँ पर मैंने बच्चों के लिए बनाया था, इसलिए कम मसाला मैंने इसमें ऐड किया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग और भी तीखा और चटपटाई से बना सकते हैं, बहुत ही टेस्टी बनता है। देखिए कितना बढ़िया मैसी हो जा रहा है। तो चलिए, फिर मिलेंगे एक और न्यू ब्लॉग के साथ। बाय।